सोलन के नोनी में बिजली मरम्मत का कार्य चल रहा था। ठेकेदार की लेबर मौके पर कार्य कर रही थी। पोल पर लेबर तारे काट रही थी तो अचानक जो व्यक्ति पोल पर चढ़ा हुआ था वह नीचे आ गिरा। करीबन 20 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद वह बेसुध हो गया। वहां मौजूद अन्य लेबर मौके पर पहुंची और उसे निजी वाहन में लेकर तुरंत सोलन अस्पताल लाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे IGMC शिमला रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसके सर पर गहरी चोटें आई हैं, जिसका शिमला में इलाज चल रहा है और अभी तक वे बेहोशी की हालत में है। 25 वर्षीय घायल व्यक्ति सुनील कुमार बिहार का बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लेबर ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जब घायल व्यक्ति पोल पर चढ़ा था तो उसने वहां मौजूद फोरमैन से शिकायत की थी कि पोल में करंट आ रहा है, लेकिन फोरमैन ने उसे ये बताया कि पोल में थोड़ा करंट रहता है। इस पर जब वह तार को काटने लगा तो उसे करंट का जोर से झटका लगा और वह पोल से गिर गया। वे तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया। सहकर्मी ने यह भी कहा कि उन्होंने फोरमैन के कहने पर ही कार्य किया है और वो ही जानकारी दे सकता है कि इस घटना में कौन गलत था। हमारा नाम गुड्डू कुमार है, गए हम लोग काम करने। फोरमैन बोला है कि लाइट कट गया है, इसका जम्फर काट दो। जम्फर काटने के बाद तीन का जम्फर कट गया, चौथे काटने गया तो करंट मारा, तो वो बोला है कि करंट मार रहा है। तो फोरमैन बोला है कि इतना मारता है, काट दो। जैसे काटा तो फिलास में करंट आ गया तो गिर गया नीचे। फोरमैन की अब तो फोरमैन ही बताएगा कि गलती किसका है। वो तो फोरमैन बोला है कि लाइट काट दिए हम। तो नीचे गिरा उसको क्या किया फिर? नीचे गिरा है तो उसको उठाकर कलेजा उलेजा दबाए हैं, फिर गाड़ी में लेकर आए हैं अस्पताल। वहीं जब बिजली विभाग के अधिकारी विकास गुप्ता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि पोल पर करंट था। उनके माने तो पोल पर चढ़े लेबर का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। नीचे गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हुए है, जिसे शिमला रेफर कर दिया गया है और वह खतरे से बाहर है।